क्यों नहीं आ पा रहा? जी सर, पूरा क्लीन करेंगे उसके बाद रेड ऑफ पेंट होगा। 2 को भाई एंड ऑफ लेवल भी फंड्स में लैप कर रहा है। ए दे दिया ना हमने एडवाइजर को। मैडम आपको मालूम नहीं कैसा बन रहा है यहाँ पे? टाइमलाइन दिखाओ, कहाँ है इसका टाइमलाइन? मेरे टाइम जब भी हुआ यहाँ पे नींद रहा है। वो क्या कर रहे हैं इसका? कुछ नहीं बांधी वो क्या सर, लेकिन कॉलेज के लिए 3 years एंड देन यू सी योर को क्या इनडोर फिक्सिंग होगा, ये होगा। उसके कब कब करना चाहते हैं लोग? जैसे जबानी में बॉटनी हम इस कॉलेज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऑगमेंट करें, क्योंकि नंबर ऑफ क्लासरूम यहाँ पे बहुत कम थे, जबकि यहाँ पे हमारे 1500-1600 बच्चे एनरोल्ड हैं। कुछ आर्ट्स में पढ़ते हैं, कुछ साइंस कर रहे हैं, और वहाँ पे साइंस लेबॉरटरीज नहीं थी, साइंस के क्लासेस नहीं थे, स्टाफ के लिए बैठने की जगह भी नहीं थी, इवन अच्छे टॉयलेट ब्लॉक्स भी नहीं थे। तो ये प्रोग्राम 2 phases में चला। पहले एक फ्लोर इसका बनाया गया, उसके बाद कॉस्ट रिवाइज करके हमने इसको 15 crore वागुजार किए हैं, अप्रूव किए हैं इसके लिए। तो ये काम फरवरी में स्टार्ट हुआ था, और अब देख रहे हैं आपकी कोविड की वजह से अगर थोड़ा रुकने के बाद दोबारा पूरे जोर शोर से काम चल रहा है। एडवेंचर टूरिज्म की बात हम करें या कोई और स्पोर्ट्स की बात करें, वो भी हम अगले साल शुरू करेंगे। बट अल्टीमेटली 3 सालों के अंदर हम चाहेंगे कि एक वोकेशनल प्रोग्राम टूरिज्म स्टडीज़ का यहाँ स्टार्ट हो, और ताकि यहाँ के जो बच्चे रहने वाले इंडिजिनियर वो टूरिज्म स्टडीज़ को ऑप्ट करें, और यहाँ पे जो एवेन्यूज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके एम्प्लॉयमेंट के, चाहे होटल इंडस्ट्री में हो या टूरिज्म इंडस्ट्री में हो, एडवेंचर टूरिज्म में हो, वो उस पर अपना एंटरप्राइज बना के आगे चलाएं और अपने आप में जॉब प्रोवाइडर हो जाए।